तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है द वन ऑफ द बेस्ट बिलीवेबल चैनल फॉर एसएससी जीडी ऑलवेज जीरो सीआईएस वाला। हम लौट आए फिर से डबल एनर्जी के साथ, जो केवल और केवल आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आई है। ठीक है, तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने अप्रिसिएट किया हमारी मेहनत को और हमें सपोर्ट किया। मैं उनके नाम भी लेना चाहता हूँ, तो धन्यवाद फिजिकल अकेडमी एंड राज सिंह भाई, कृष्णा यसाऊ, साहिल गुद्दत, राहत लस्कर, आर जे मेनका कुमारी, फिट लेव विदेश जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सपोर्ट किया। और चलो मैं लौट आया हूँ फिर से आपके पास और अब डबल एनर्जी के साथ अपने को लगना है और उन लोगों को गलत प्रूफ करना है जो लोग बोल रहे थे कि हाँ हमारी कट ऑफ का एनालिसिस गलत है वगैरह वगैरह। जो भी निगेटिव व्यक्ति बोल रहे थे उन सबको गलत प्रूफ करके रहना है। और जो भी जो निगेटिव बोल रहे थे कि चैनल के बारे में, तो चैनल भी अब इतना ग्रो करवाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा यहाँ पे ना कि बस अब उनको गलत साबित करना है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, तो आप लोग अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखे, शेयर लाइक सब्सक्राइब के आप कोई कमी ना छोड़ें। मैं आपकी हर एक छोटी सी कमेंट के ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा। आप एक बार बोल के देखो आपके पास अपने दिल की इच्छा मैं पूरी ना करूँ तो आप बुक मेरे से शिकायत कर सकते हो बोले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए त्रिपुरा राज्य है, तो इसकी जो कट ऑफ थी जो कई लोग बोल रहे थे त्रिपुरा त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के लिए लेके आया हूँ। और इसके लिए स्पेशल जो मेंबर था उसने भी कमेंट किया था, उनकी कुछ शिकायत थी तो उसको लेकर भी, वो ये थी कि इन्होंने जो डांस इन ब्लड वाली मैम थी, इन्होंने किया था कि त्रिपुरा की फीमेल का वीडियो बनाना ब्रदर, क्योंकि त्रिपुरा के फीमेल का पक्का बना देना ब्रो, अभी तक कोई नहीं बनाया है। तो मतलब इनका कहना है कि अभी तक किसी ने वीडियो नहीं बनाया है, तो आप जरूर बना देना। तो मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा फीमेल का भी। तो अभी हम फीमेल की कट ऑफ मेल की कट ऑफ सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये आपके फीमेल की कैंडिडेट की कट ऑफ है। सबसे पहले अपन फीमेल कैंडिडेट पर बात करते थे, फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है जिसमें बॉर्डर एरिया की जो एससी कैटेगरी है उसकी 24 है एंड जो जनरल एरिया है उसमें एससी की 26 कट ऑफ गई है। मतलब 24 और 26 गई है एससी कैटेगरी में बॉर्डर और जनरल एरिया की। अब अपन डीएमई कट ऑफ देखते हैं, तो डीएमई तो जो डीएमई कट ऑफ गई है वो 24 और 26 से कितने नंबर बढ़ी है, 24 से बढ़ी है +4 और 26 से बढ़ी है +6। अब आप खुद देखिए यहाँ पे कि मेरे को मार्क्स बताना पड़ेगा भाइयों, जितने होंगे ना मैं उतने बताऊंगा यार, ज़्यादा और कम कैसे बता दूं मैं। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ पे +4 मार्क्स बढ़ गए हैं जिनके बॉर्डर वालों के, तो उनके फाइनल में यहाँ पे 12 × 3 करने बंदे निकाले थे उन्होंने, तब 4 नंबर बढ़े हैं। ठीक है, तो अभी तो आपको 2.5 गुना बंदे बार करने, 2.5 गुना बंदों में से 1 गुना बंदे तो रखने हैं, 1.5 गुना बंदे बार करने हैं। तो उस हिसाब से आपके जिनके भी +4 मार्क्स है वो तो श्योर है, तो हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं। इससे जिनके +3 है ना उनका भी सिलेक्शन होएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ भाइयों। इतने चारों मेरे की निगेटिविटी के बीच में अगर मैं आप लोगों को इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई चीज़ बोल रहा हूँ ना, तो भाई बहुत मेहनत की है इसके पीछे, बहुत एनालिसिस किया है। क्योंकि अगर अब मैं एक भी चीज़ गलत बोलता हूँ ना, तो मेरे जो विरोधी हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, इसलिए मैं सब कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। ठीक है, जिनका +3 है उनका भी सिलेक्शन होगा, 4 तो हाईएस्ट मार्क्स बताए हैं मैंने। ठीक है, तो और जिनका जो यहाँ पे +6 मार्क्स बढ़ी थी, 26 से 32 हुई है, इनके लिए +5 मार्क्स वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, +5 मार्क वाले जो एससी जनरल कैटेगरी जनरल एरिया से हैं उनका +5 मार्क पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ये डेफिनेट है फीमेल कैंडिडेट का। ठीक है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट की टिकट ऑफ जाती नहीं है। बात करते हैं अपन जो एसटी कैटेगरी है, तो एसटी कैटेगरी में बॉर्डर और जनरल एरिया की जो पीएसटी की कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 20 और 22। तो अगर मेडिकल की कट ऑफ देखें तो आपकी जो मेडिकल की कट ऑफ गई वो कितनी बढ़ी है, 20 से आपकी बढ़ी है +4 और 22 से आपकी बढ़ी है +3। तो जिनके +4 बढ़ी है जो बॉर्डर एरिया से हैं उनके पासिंग मार्क्स +3 चाहिए होंगे फाइनल कट ऑफ के लिए, और जिनकी 3 बढ़ी है उनके भी +3 मार्क्स चाहिए होंगे, क्योंकि जनरल एरिया बॉर्डर एरिया में कुछ फर्क होता है। तो ये सारा डाटा एनालिसिस होता है, ये मैंने कैसे एनालिसिस किया है, मैं कल इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि जो मैंने क्या किस चीज़ को बेस मान के आपकी सारी कट ऑफ जो इतने राज्य की मैंने कट ऑफ बताई है वो किस चीज़ को बेस मान के एनालिसिस किया है, कैसे कट ऑफ निकाली जाती है और क्या तरीका रहता है कट ऑफ निकालने का, क्या क्या मेजर पॉइंट ध्यान में रखे जाते हैं, वो सारे मैं आज कल आपको डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको जरूर देखना। आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने जो एनालिसिस किया ना वो बहुत बारीकी से किया है, बिल्कुल भी गलत होने के चांस नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो जाता है पॉइंटों में, बाकी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो कल मैं आपको बताऊंगा पक्का श्योर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, जो मैंने जो एनालिसिस बेस मान के किया है, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखी है सब बताऊँगा। तो चलिए अगर अपन फीमेल कैंडिडेट के फिर जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल एरिया में अनरिजर्व कैटेगरी है तो उनकी कट ऑफ 30 गई है पीएसटी की। तो अगर इनकी मेडिकल की कट ऑफ देखें, अगर अपन मेडिकल की कट ऑफ गई है इनकी
तो भाई साहब 25 से 30 तो इनकी कितनी कटऑफ बढ़ी है, प्लस 5 कटऑफ बढ़ी है, और जिनकी प्लस 5 कटऑफ बढ़ी है उनका फाइनल सिलेक्शन प्लस 4 से प्लस 5 के बीच में ही होगा भाइयों, ये भी शोरूम है ठीक है। तो प्लस 4 से प्लस 5 जिनकी मार्क्स है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाने वाला है यूआर कैटेगरी से। एंड बात करते हैं फाइनल, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनकी जनरल एरिया से जिन कट ऑफ गई है 59 ये उत्तर प्रदेश का आ गया, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस की इसके अंदर पोस्ट है नहीं, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई पोस्ट नहीं ईडब्ल्यूएस की, तो ये मैंने थोड़ा ध्यान में रखा ठीक है। तो ये आपके लिए फीमेल कैंडिडेट का पूरा हो जाता है, तो फीमेल कैंडिडेट में जिनके भी मिनिमम 2 मार्क्स और मैक्सिमम 5 मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, और बाकी ज़्यादा है तो उनके लिए पोस्ट अवेलेबल है पोस्ट की वेरायटी कि SSFC वगैरह वगैरह, तो आप लोगों के लिए मैं पूरा डाटा लेके आऊँ। अब बात करते हैं मेल कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट में देखते हैं तो EWS, सबसे पहले EWS की देखते हैं अगर अपन मेल कैंडिडेट में, तो EWS में जनरल एरिया में कट ऑफ गई है 26 ठीक है। तो अगर आप ये PHT की कट ऑफ है, और अगर अपन बात करें मेडिकल की, जो मेडिकल की कट ऑफ गई है वो गई आपकी 27, तो वैसा 25 से 27 मतलब प्लस 2 मार्क्स बढ़े हैं, तो फाइनल में जिनके प्लस 3 मार्क्स हैं उनको सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है ठीक है। एससी कैटेगरी में बॉर्डर एंड जनरल, एससी कैटेगरी में बॉर्डर और जनरल एरिया से इनकी 23 कट ऑफ गई है दोनों की, 23.37 23.99 ठीक है। तो इसकी 23 मानते हैं, उसकी 24 कट ऑफ मान के चलते हैं लगभग। तो चलो मेडिकल की कट ऑफ पे बात करते हैं, तो इनकी जो 23 और 24 गई थी, तो इनकी 23 ही थी और इनकी 24 ही, 24 कंप्लीट नहीं थी, तो इसलिए 24 से पॉइंट में बढ़ा है, यहाँ पे 23 भी पॉइंट में बढ़ा है ठीक है। तो इनके पॉइंट में मार्क्स बढ़े, 1 मार्क्स भी बढ़ने जितने कैंडिडेट नहीं थे यहाँ पे, तो कैसे कर दूँ कि फाइनल इनकी 12 नंबर बढ़ेगी यार, यहाँ पे प्लस 2 नंबर होंगे ना जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, पॉइंट एक वालों एक पॉइंट कुछ भी है ना उनका भी सिलेक्शन होगा यहाँ पे, क्योंकि कैंडिडेट आपको दे लो कैंडिडेट नहीं है, इसलिए वहाँ पे पॉइंट में मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो आपको कैसे कह दूँ मैं उन विरोधियों को, उन जो मेरे विरोधी हैं उनको कैसे समझाऊँ कि 12 नंबर नहीं बढ़ने वाले भाइयों ठीक है। बात करते हैं एसटी में, तो एसटी में जो बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया कट ऑफ 20 और 20 गई है ठीक है, सेम ही कट ऑफ दोनों की 20.03 20.03। तो बात करते हैं पीएचटी की कट ऑफ पे, वो गई है, और मेडिकल की बात करते हैं तो देखिए आप खुद देख लीजिए, 20 से यहाँ पे तो बढ़ी है 22 और 20 से बढ़ी है यहाँ पे 21। अब दो और एक नंबर जहाँ पे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे कैंडिडेट अब इतने अवेलेबल हैं, 2 और 1 मार्क्स ही बढ़ रहे हैं उसमें, इतने कैंडिडेट 12 गुना से 3 गुना कैंडिडेट पे आ गए, तो सोचिए उनका फाइनल कितना बढ़ेगा, आप 2.5 गुना बंदों को तो बाहर करना है, तो वहाँ से प्लस 3 मार्क्स जिनके हैं ना इन दोनों कैटेगरी से वो सिलेक्ट हो जाएंगे भाई आराम से, बिल्कुल भी डाउट नहीं लेना है यहाँ पे, आपको दिमाग में डाउट लाना ही नहीं है। और बात करते हैं अगर ओबीसी कैटेगरी से, तो ओबीसी कैटेगरी में अगर जिनके भी देखिए बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया कट ऑफ गई थी 43 और 42, तो ये पीएचटी कट ऑफ है। मेडिकल की बात, मेडिकल के अंदर देखिए ओबीसी के अंदर कट ऑफ उधर 43 और 42 थी, तो इधर देख ली 43 से प्लस 3 बढ़ी है और 42 की वैसी है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 3 1 नंबर बढ़ा है, तो फाइनल आपके 3 नंबर से इधर नहीं बढ़ने वाली है, तो जिनके भी 3 नंबर प्लस है वो अपना सिलेक्शन शोर मान सकते हैं त्रिपुरा में ओबीसी बॉर्डर और जनरल एरिया से ठीक है। बात करते हैं लास्ट अपने अनरिजर्व कैटेगरी बची हुई है उस पे, तो जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है तो उसके अंदर अपन बात करते हैं, तो जनरल एरिया की कट ऑफ गई है आपकी 30, तो अगर अपन इसकी मेडिकल की कट ऑफ देखते हैं तो मेडिकल में, इसमें मेडिकल में भी कट ऑफ 30 गई है, देख लीजिए 30 ही मेडिकल की कट ऑफ गई है, उधर एक वो जो मैंने जनरल का बॉर्डर वाला छूट गया है, तो दोनों ही कट ऑफ 30 गई है, और इसकी डेली जनरल कैटेगरी में आप यहाँ देखिए जनरल कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़ते हैं, और यहाँ पे जब 12 गुना पीएचटी से 3 गुना मेडिकल में लाना था तब भी यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही एक भी नंबर नहीं बढ़ रहा है, पॉइंटों में मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो यार कैसे वो लोग कह सकते हैं कि उनके 10-10, 12-12 मार्क्स बढ़ेंगे यार, जहाँ पे 12 गुना से 3 गुना कैंडिडेट लाने के लिए भी मार्क्स नहीं है, तो अब तो कैंडिडेट 2.5 गुना रह जाते हैं, मेडिकल पास करने वाले कैंडिडेट 2.5 गुना रह जाते हैं, और 2.5 गुना कैंडिडेट से अगर आपको 1 गुना कैंडिडेट पास करने हैं तो उसके लिए आपको लास्ट यहाँ पे प्लस 2 नंबर होंगे, उनका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता भाइयों, और ये लिख के दे सकता हूँ मैं, अब तो मैं पूरा एनालिसिस पूरा दमखम लगा के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आप सब्सक्राइब करना बस चैनल को, उनको सपोर्ट करना ताकि मैं उनको जवाब दे सकूं उन लोगों को ठीक है। और आप सभी का धन्यवाद जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, उन्हीं के लिए मैं वापस आया हूं, और अब मेरे को दमखम लगाना है और आपको भी पूरा जोर लगा कि मेरा साथ देना भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसको जितना कर सको आप ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू गाइज फॉर योर सपोर्ट।